अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गजा फलस्तीन में इसराइल के जुल्म और बरबरीत को रोकने के लिए बैन अल-अक़वामी बरदारी इकदाम करे। दारुस्सलाम में मुनक़िदा कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम से सियासी और मजहबी क़ायदीन का खिताब। तकबीर के नारों से दारुस्सलाम गूंज उठा। फलस्तीनी अवाम की हिमायत और इसराइल जुल्म की मजम्मत में करारदाद मंजूर। वज़ीर-ए-आला KCR अपनी तूफान इंतखाबी मुहिम का चारशंबे से दोबारा करेंगे आगाज। पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों के इलाकों में आवाम के दरमियान मसरूफ़ रायदेही फीसद में इजाफा करने आवाम से की गई अपील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया ने अचानक बोराबंडा पुलिस स्टेशन का किया मुआयना। अहदेदारों से हासिल की तफसीलात। दासाराम बस्ती एसआर नगर में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। सदर BRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दशहरे त्यौहार के बाद 25 अक्टूबर बरोज़ चारशंबे से अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे, जिसके सिलसिले में दोबारा अजला के दौरे का आगाज़ करते हुए वो जलसे आम से भी खिताब करेंगे। क़ाबिल अज़ीम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दशहरे से कबल रियासत के चार अजला का दौरा करते हुए जलसे आम से खिताब किया था। और वाज़ह रहे कि अजला के दौरों के आगाज़ से कबल सदर BRS ने पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया था। BRS रुकन खान सास कौंसल के कविता 30 अक्टूबर को लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी में मुआशी तरक्की के उन्वान पर लेक्चर देंगी। के कविता को लंदन की यूनिवर्सिटी ने खसूसी दावतनामा रवाना करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना में चलाए जाने वाले तरक्याती और फलाही स्कीमात पर लेक्चर दें। 30 अक्टूबर को के कविता रियासत में जारी किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरकी सरबराही, रैतु बंधु स्कीम, दही तरक्याती के अलावा मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी की सरबराही पर के कविता फोकस करेंगी। कांग्रेस आला कमान तेलंगाना में इख्तदार हासिल करने के सिलसिले में संजीदगी का इजहार कर रही है। सिलसिले में कांग्रेस आला कमान ने दूसरे मरहले की बस यात्रा की तारीखों को खतियत देते हुए वाजे किया कि दूसरे मरहले की बस यात्रा 28 अक्टूबर तक यकुम नवंबर तक रियासत के चार अजला मुतहदा महबूब नगर, मेदक, रंगारेड्डी और नलगुंडे में निकाली जाएगी। 28 और 29 अक्टूबर को कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया इसका आगाज़ करेंगे और 30 और 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी, जबकि 1 नवंबर को साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी बस यात्रा में हिस्सा लेंगे। साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी को मंगल के रोज़ आवाम की बरहमी का, बिलखसूस गिरिजन तबके की बरहमी का उस वक्त सामना करना पड़ा जब जाना रेड्डी अपने फर्जंद की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाने के सिलसिले में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करने के लिए नागार्जुना सागर पहुँचे थे। आवाम ने उनकी तकरीर के दौरान काफ़ी हंगामा रही और नारेबाजी की, जिस पर जाना रेड्डी ने स्टेज पर बैठे कांग्रेस कायद वेंकट पर पहले बरहमी का इजहार किया और उन्हें खामोश करने की कोशिश की। बाद अज़ा उन्होंने आवाम के एहतजाज करने पर भी बरहमी का इजहार किया।
कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने अपने हल्के असम्बली संगारेड्डी में दशहरे त्यौहार के सिलसिले में मुनक़िद आवामी जलसे से खिताब करते हुए बताया कि जग्गा रेड्डी से संगारेड्डी और संगारेड्डी की आवाम से जग्गा रेड्डी है। उन्होंने आवाम से इस उम्मीद का इजहार किया कि वो साबिक की तरह उन पर एतमाद करते हुए फिर से उन्हें कामयाबी से हमकनार करेंगे। इस मरतबा कामयाब बनाने के बाद हो सकता है कि रियासत में कांग्रेस भी इख्तितार पर आए और उसके बाद तेलंगाना का वज़ीर आला भी उन्हें बनाया जा सकता है, जिस पर आवाम ने उनका नारों की गूंज में खैर मकदम किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम दारुस्सलाम के वसीव अरीज़ ग्राउंड पर एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया ताकि फ़लस्तीन के इलाके गज़ा के मजलूमों की तायद और इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सके। इस जलसे से उलमा इकराम, मशायखीन उज़ाम, सियासी क़ायदीन और मिल्ली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत करते हुए ख़िताब किया। जलसे से ख़ुसूसी ख़िताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बैनुल अक़वामी बरदरी पर ज़ोर दिया कि इसराइल की जानिब से गज़ा की मासूम आवाम पर की जा रही बर्बरियत को रोकने के इसलिए इकदाम करें। जलसे से खिताब करने वाले मुखरीन ने इसराइली मजालिम के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे फौरी रोकने का मुतालबा किया। इस जलसे में एक मजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد بزرگان ملت برادران عزیز اسلام نے ساری دنیا کے سامنے ایک ایسا پیغام دیا इंसानियत का पैगाम दिया, अखलाक का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया और उसमें ज़ात पात रंग नस्ल इलाका ज़बान की कोई कैद नहीं रखा कि इंसाफ के बारे में तुम्हारे मज़हब वाला हो तो उसके साथ तुम रियायत करो, गैर हो तो उसके साथ जुल्म करो, या तुम्हारे इलाके का है तो उसके साथ हमदर्दी करो, गैर है तो उसके साथ बेमुरवती करो, तुम्हारी ज़बान वाला है तो उसके साथ तुम जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करो, गैर है तो उसके साथ लापरवाही करो। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, यही इंसानियत की तालीम है। रिवायतों में आता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब किसी लश्कर को रवाना फरमाते तो उसको छोड़ने के लिए कुछ दूर जाते, फिर वहाँ लश्कर वालों को आप नसीहत फरमाते। लश्कर जो जा रहा है किस लिए जा रहा है? जंग के लिए जा रहा है। तो जंग का मतलब ये है कि तीर बरसेंगे, तलवार चलेंगे, जख्मी होंगे, इधर से भी कुछ ख़त्म होंगे, उधर से भी कुछ ख़त्म होंगे, नुकसान इधर का भी होगा, उधर का भी होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, यही जंग है। लेकिन इसके बाद जंग के लिए तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या नसीहत फरमा रहे हैं? देखो बच्चों पे हाथ नहीं चला, देखो औरतों पे हाथ नहीं चला, देखो बूढ़े ज़ईफ़ों पर हाथ नहीं चला, देखो जो लोग अपने इबादत गाहों में मसरूफ हैं उन पर हाथ नहीं चलाएं, देखो लहलहाती खेतों को बर्बाद नहीं करना, देखो फलदार सायदार दरख्त को हाथ नहीं लगा। तुम्हारा जो मकसद है वो बुराई को मिटाना। इस्लाम में जो जिहाद है, जिहाद का मकसद इंसान को ख़त्म करना नहीं है, गैर मुस्लिम को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि बुराई को मिटाना, ये असल मकसद है जिहाद। यही इल्लत हमारे उलमा ने बतलाई। तो इसलिए आप जो है अपने लश्कर को नसीहत फरमा रहे हैं कि तुम उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ने वाले हैं, उनका मुकाबला करो जो तुमसे दुश्मनी करने वाले हैं, तुम उनके साथ साबित कदमी से पूरी बहादुरी से और पूरे अपने इतिहास से उनका मुकाबला करो। ये आपने कर।
बैठी, तशरीफ रखी है, तशरीफ रखी है। मैं नारा लगाता हूँ, आप सुनिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब तशरीफ रखिए आप सब। अस्सलाम वालेकुम। अभी इतने नारे मार रहे थे ना, सलाम का जवाब देना नहीं आया। मियाँ अपने आप को पहचानो, अपने जवाब को देना सीखो। लोगों से मिले तो सलाम को सलाम के अंदाज से करो। आज हमारे को जब से मैं हमारे माशाल्लाह एक से एक मुखर्रिर आपसे खिताब कर रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा सब जने मुंह में क्या दबा के बैठे, गच्चू दबा के बैठे समझ में आ रहा। आज आपको बताना है, मुझे अफसोस हुआ यहाँ, कब जब हमारे मौलाना ने फोटोग्राफर ऊपर आया तो आपके जो डंडे हैं वो ऊपर उठे। जब से सब डंडे नीचे पकड़े हुए हैं, कब ऊपर हुए? फोटोग्राफर साहब आती सब जने अपने अपने हाथ उठा लिए। अरे मियाँ, वो लोगों को देखो जो आज अपने हाथों को कटा रहे हैं, वो लोगों को देखो जो अपने गले कटा रहे हैं, वो माओं को देखो जो अपने बेटों को कटा रहे हैं मगर फोटो में नहीं आ रहे हैं, बल्कि अल्लाह को राजी कर रहे हैं। और हम लोग अफसोस, तुम्हारा सब हैरत हुई मेरे को, हमारे उलमाए किराम एक से एक अंदाज से आपको जोश दिला रहे हैं, आपसे कुछ कहवाना चाहते हैं, मगर हम लोग इतने सुकून से हैं कि हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारी कौम जिंदा नहीं है, मर गई है। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपकी आवाज उठना है मगर किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं, उसके सामने उठना है जिसके सामने आप आवाज उठाएंगे। ऐसी नहीं कि महल्ले को उठा ले, बल्कि जबान से नहीं, दिल से जिस दिन आप अल्लाह का नाम लेकर उसके सामने अपनी पेशानी को टेक देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके पेशानी को टेकने की वजह से उनको फतो नुसरत अता फरमाएगा। आज हम लोग सिर्फ जबानों के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ है हमारी नौजवान नस्ल जो अपने आप को दीन से दूर कर लिए हैं, चबूतरों पर बिठा रखे हैं, अपने आप को अल्लाह से गाफिल रखे हुए हैं, शादियों में ऐसा नाच रहे हैं जैसा अपजान नाच रहे हैं। मेरे को अफसोस होता है इन हालात में जब हमारे पास रोज इत्तला आ रही है, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे दीगर अंदाज से हमारे सामने वो फोटो आ रहे हैं जहां अपनी औलाद को वो लोग कुर्बान कर रहे हैं, मगर जबान से उनके निकल रहा है तो सिर्फ एक ही जुमला निकल रहा है, वो है अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। और हम लोगों की जमाना कहाँ है, जब से कोई भी बोल लो, क्या भी बोल लो, बादलों को देखा माशाल्लाह यहाँ पूड़े खा लेते बैठे। अफसोस होना, हम ये सुन रहे हैं यहाँ कि उनके ऊपर पानी बंद है और आप पानी पी रहे हैं और अपने लज्जत को, जबान को, अपने वो चीज़ें खा रहे हैं जिससे आपको लज्जत आ रही है। मेरे भाई, मुसलमान वो है जो अपने भाई के लिए तड़पने वाला हो, ये मुसलमान नहीं है जो नाम लेते जाए और खाते जाए। ये हम लोगों के अंदाज है। आपने बहुत अच्छे अंदाज में नारा लगाया, मगर आज एक बात का अहद करके उठो। एक अल्लाह वालों से पूछा गया कि हजरत, मुझसे ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह मुझसे नाराज है। कहा कि हाँ, अगर तुम्हारा तुमको मालूम हो रहा है ये कि अल्लाह नाराज है, तो कोशिश करो अल्लाह को मनाने की। पहले मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे को कोई मशवरा दे सकूँ, मगर हाँ इतना कह सकता हूँ, तुम अपने रसूल को मना लो, अल्लाह तुम।
हैदराबाद में फ़लस्तीन की हिमायत में नारों की एक गूंज सुनाई दी। दारुसलाम में पीर की रात हुए कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए और इजहार गानीगत किया। दारुसलाम का वसी व अरीज मैदान फ़लस्तीनियों की हिमायत के नारों से गूंजता रहा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालबा किया कि गज़ा में इंसानी राहदारी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमारे पास G20 की सदारत भी है और हम इसराइल से सिलसिले में मुतालबा कर सकते हैं। गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा हिरासती कैंप है। 2006 से गाज़ा पर ज़ालिम ताकतों का कब्जा है, जिसके बाद ज़मीनी, फिजाई और समंदरी नाकाबंदी की गई। गाज़ा के 20 लाख अफराद को मुसलसल तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें बुनियादी ज़रूरियात, नफल व हरकत के हक से महरूम रखा गया। गाज़ा के लोगों ने बार बार जंग व जदल का सामना किया है और वो एक मुस्तकबिल इज्तिमाई अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं। गाज़ा के 80% लोगों की गुजर बसर बैरूनी इमदाद पर मुनसर है। गाज़ा की नस्ल आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। इसराइल गाज़ा की नाकाबंदी, गाज़ा के लोगों पर बमबारी, उनके हिस्से पर कंट्रोल और उन लोगों पर अपनी निगरानी को फौरन ख़त्म करे। फ़लस्तीन के मकबूज़ इलाके मगरबी किनारा में हर रोज़ लोग मसाइब और मुश्किलात के अलावा नस्ली इम्तियाज को बर्दाश्त कर रहे हैं। मगरबी किनारा का जबर इलहाक और वहाँ बस्तियों को आबाद करना गैर अखलाकी और गैर क़ानूनी है। आलमी अदालत इंसाफ ने मगरबी किनारा में दीवार की तामीर को बैन अल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस इलाके के लोगों को 1500 चेक पॉइंट्स का सामना है, जो उनकी आज़ादना नकल व हरकत से रोकते हैं। इसराइल को चाहिए कि वह नस्ली इम्तियाज़ की दीवार गिराए, फ़लस्तीनियों का मुआवज़ा अदा करे और इनकी तमाम ज़मीनों को वापस करे, जहाँ से इन्हें बेदखल किया गया है। हम मस्जिद अक्सा के तकद्दस की बार बार पामाली और बेहरमती और मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस तरीन मजहबी मुकाम पर इबादत में रुकावटों की इसराइली कोशिशों की मजम्मत करते हैं। हम इसराइल की तरफ से मकबूज़ इलाकों में मसाजिद और गिरगाहों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। बशमूल गाज़ा में हाली अरसे में बमबारी के जरिए यूनानी ऑर्थोडॉक्स सेंट पोरफेरेंस चर्च पर, जो दुनिया का तीसरा कदीम चर्च पर बमबारी की गई, इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम इसराइल की तरफ से दवाखानों, स्कूल समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बार बार बमबारी की जा रही है, मजम्मत करते हैं। हम सियासी मकासद के हुसूल के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। जो मासूम जानें ज़ाय हुई हैं, इस पर हम गहरे गम व ताज़ियत का इजहार करते हैं। इसराइल को ओस्लो के माहदे का एहतराम करते हुए बैन अल-अक़वामी क़वानीन और अक़वामे मुत्तहदा की क़रारदादों पर अमल करना चाहिए। इसे गाज़ा पट्टी, मगरबी किनारा और बैतुल मुक़द्दस में अपने गैर क़ानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त करना चाहिए, जो 1967 के बाद से किए गए हैं। इसराइल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में मज़ीद रुकावटें ना डालें। भारत हमारा वतन अज़ीज़ 1774 में PLO को फ़लस्तीन के अवाम के जायज़ और वाहिद नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने वाला पहला गैर अरब मुल्क है। 1988 में भारत ने आज़ाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क है। जमहूरी भारत को फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत की अपनी इस कदीम रिवायत को बरकरार रखते हुए इसका एहतराम करना चाहिए। हम हुकूमत हिंद से कहना चाहते हैं कि बाबा कौम महात्मा गांधी की इस बात को याद रखा जाए कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, जिस तरह इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। भारत ने हमेशा नस्ल परस्ती और नौआबादी निज़ाम के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती किया है, चाहे वह जनूबी अफ्रीका हो या इंडोनेशिया और फ़लस्तीन। हमें इस रिवायत और तारीख को तर्क करना नहीं चाहिए। हम भारत की कुछ रियासत हुकूमतों की जानिब से गाज़ा में इसराइली जंगी जराइम बशमूल दवाखाने, स्कूल और गिरजाघरों, मस्जिद पर हमले के खिलाफ अवामी मजाहरों की हौसला शिकनी या फिर मजाहरीन के खिलाफ मुजरिमाना पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। हम आजमाइश की इस घड़ी में फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजहती का इजहार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल पर लगाम कसे,
जो इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कशी का इरतकाब कर रहा है। हम मकबूज़े गाजा पट्टी से फलस्तीनी बरादरी को जज़ीरा-नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इसराइली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैर कानूनी करार देते हैं। और क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, फलस्तीन, फलस्तीन, गाजा की आवाम, गाजा की आवाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज तक असद साहब का नाम लेते पागल, अब तक इसराइल की जानिब से हमले में 5,080 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें से 2,000 बच्चे हैं, 1,119 खवातीन हैं, 190 ज़ईफ लोग हैं, 15,890 लोग जख्मी हैं, 50,000 खवातीन गाजा में प्रेग्नेंट हैं। इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करिए गाजा की आवाम के लिए, और हम हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 1987 में श्रीलंका में जाफना में जब टेमिलियंस पर ये इस तरह का महासरा कर लिया गया था, तो भारत की हुकूमत ने प्लेन के ज़रिए से टेमिलियन जो जाफना में फंसे हुए थे उनको खाना और तकसीम किया था। इसी तरीके से हम अमरीका को याद दिलाते हैं, बरतानिया को, फ्रांस को, कि जब दूसरी जंग अजीम 1948 से 1949 मई तक जब बर्लिन पर कब्जा हो रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत यूनियंस को कहकर एक कॉरिडोर बनाया था ताकि वहां पर बर्लिन के लोगों को खाना मिल सके। ये तमाम चीज़ें सामने हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां बैठकर गाजा की आवाम की तकलीफ को महसूस करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। आज आपको कुर्सी नहीं मिली तो आप खड़े रहने में तकलीफ महसूस कर रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी बहन है जिसके पास वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, अस्पताल नहीं है। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं वो फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूँ उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है। और मेरे साथ एक और मर्तबा नारा लगाइए कि फलस्तीन, फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फलस्तीन, 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद। और जिन जालिमों ने इनको कत्ल किया, शहादत इनको दी है, याद रखो मस्जिद अक्सा के उन बुनियादों पर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फोंकेंगे और अल्लाह हर जालिमों से अपना बदला लेगा। अब मैं अमीर साहब से गुजारिश करता हूं कि वह दुआ फरमाएं, दुआ होगी, दुआ के लिए तकरीर का वक्त कोई तो नहीं है, अमीर साहब दुआ फरमाएंगे और खामोशी से सुनिए और आमीन कहते रहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें असेंबली इंतखाबात की रायदेही के दौरान वोटिंग फीसद में इजाफे पर जोर दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असेंबली हलके कारवान कौसर मोहियुद्दीन ने टोली चौकी डिवीज़न के मुख्तलिफ कॉलोनीज, अलकरीम कॉलोनी, ओवैसी कॉलोनी, मीनार कॉलोनी, बालगड्डी नगर, नीरजा कॉलोनी, विरासत नगर और उसके अतराफ व अकनाफ की आवाम के हमरा एक ग्रुप मीटिंग का
इनेकाद अमल में लाया। मस्कुरा कॉलोनीज की आवाम ने कौसर मुहिद्दीन को तयखुन दिया कि वह मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हमको ये भी देखते होंगे, हिंदुस्तान में कोई भी बात करता है तो आपकी जमात का सदर, मेरी जमात का सदर बात करता है। पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, आपके ताल्लुक से, आपकी शरीयत के ताल्लुक से, आपके हमारी कौम के ताल्लुक से कोई बात करने वाली कोई शख्सियत है तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर वो वाहिद जमात है। आपकी जमात मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीम मिल्लत बैरस असद साहब होते हैं। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम आने वाली नवंबर की 30 तारीख को हर मकान से, हर घर से, हर गली से निकल कर जिम्मेदारी ले ले, ताकि ये गली के अंदर मैं जिम्मेदारी लेकर इन तमाम वोटर्स को निकालूंगा, ले जाकर वोटिंग पोलिंग बूथ पर लगाकर इनके वोट डालाने की जिम्मेदारी लूंगा। मैं यहाँ पर जितने भी बड़े लोग आए हुए उन तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और एहसानमंद हूँ उन तमाम का। हर वक्त जमात के साथ में जमात के सदर मोहतरम की एक बात पर लबैक कर आगे बढ़कर काम करते हैं, उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर आए हुए मेरे साथी नौजवानों का, मेरी जमात के सदर मोहतमदीन का, एक्टिव वर्कर का, महिबान मजलिस का, जिम्मेदारों का, बुजुर्गों का, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 30 तारीख को, नवंबर की 30 तारीख को भूलिए मत, आगे बढ़कर काम करिए और पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया आईपीएस ने वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बिलखसूस बोराबंडा पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और अफसरान से रोज़मर्रा की जाने वाली कार्रवाई के सिलसिले में भी तफसीलात हासिल की। उनके हमरा इस मौके पर वेस्ट जोन के दीगर पुलिस आला अहदेदार भी मौजूद थे। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद की दासाराम बस्ती में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सुबह 4 बजे मैनोशी के दौरान रोडी हीटर शरीफ ने तरुण नायक पर वजनी पत्थर से हमला कर दिया और फरार हो गया। मुखावी आवाम ने पुलिस को इत्तला दी। तरुण नायक को अमीरपेट के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जान पर ना हो सका। बताया गया है कि DCP वेस्ट जोन मुकाम वाक़े पर पहुँच गए, शेख शरीफ को गिरफ्तार करते हुए उसे पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई, जबकि पुलिस के जायद दस्तों को भी वहाँ तैनात कर दिया गया है। SOT एलबी नगर टीम रियासत राजस्थान से हीरोइन ड्रग्स बरामद करने वाले 2 मुलजमीन और 3 कस्टमर्स को हिरासत में लिया। मुलजमीन के कब्जे से 100 ग्राम हीरोइन व दीगर अशिया जुमला मालियती 12 लाख रुपए बरामद किए गए। SOT के मुताबिक तमाम हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक रियासत राजस्थान से है। राजस्थान से मस्कुरा ड्रग्स मुंतकिल करते हुए ये ज़रूरतमंद अफराद को भारी कीमतों पर फरोख्त कर रहे थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गजा फलस्तीन में इसराइल के जुल्म और बरबरीत को रोकने के लिए बैन अल-अक़वामी बरदारी इकदाम करे। दारुस्सलाम में मुनक़िदा कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम से सियासी और मजहबी क़ायदीन का खिताब। तकबीर के नारों से दारुस्सलाम गूंज उठा। फलस्तीनी अवाम की हिमायत और इसराइल जुल्म की मजम्मत में करारदाद मंजूर। वज़ीर-ए-आला KCR अपने तूफान इंतखाबी मुहिम का 4 शंबे से दोबारा करेंगे आगाज। पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों के इलाकों में आवाम के दरमियान मसरूफ, रायदेही फीसद में इजाफा करने आवाम से की गई अपील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया ने अचानक बोराबंडा पुलिस स्टेशन का किया मुआयना, अहदेदारों से हासिल की तफसीलात। दासाराम बस्ती एसआर नगर में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात।
ناظرین روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔